हम लोग हर रोज इसी में फंसे रहते हैं, ये खून, मर्डर्स और तरह तरह के दूसरे क्राइम्स में। एक मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा आ जाता है। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, ज्यादातर खून तो इसलिए हो रहे हैं कि पैसे मिल जाए बस जल्दी से, किसी के जायदाद मिल जाए तो बस लाइफ सुधर जाएगी। शॉर्टकट का चक्कर, मेहनत के रास्ते गए भाड़ में। बताइए कैसा लगेगा आपको अगर आप सुबह सुबह उठें, बाथरूम में जाएं ब्रश करने के लिए और आपको पता चले कि पानी में खून आ रहा है, नहाने के पानी में खून, तो हंगामा हो जाएगा पूरे बिल्डिंग में। बिल्डिंग के सेक्रेटरी को गाली पड़ेगी, वॉचमैन को बुलाया जाएगा जो सो रहा होगा कहीं कोने में, सब लोग भागेंगे छत के ऊपर टैंक खोल के देखने के लिए कि अपने आप तो नहीं खोलेंगे, वॉचमैन को ही बोलेंगे भाई तू ही देख ले टैंक खोल के कि क्या है। वॉचमैन टैंक खोल के देखेगा और अगर अगर अंदर झांकने के बाद वॉचमैन चिल्लाते हुए अगर टैंक से नीचे गिर जाए तो समझ लेना कि टैंक के अंदर ऐसा कुछ है जो इतना भयानक है कि देखते ही होश उड़ जाएंगे। लीजिए आप खुद ही देख लीजिए इस केस में क्या हुआ। वॉचमैन की छोड़ो, हमारे होश भी उड़ गए हैं। जी इतनी देर से आपको बुला रहे हैं, टेरेस पे सारे सोसाइटी वाले जमा हैं और आप हैं कि घर से निकलने को तैयार ही नहीं है। मैं सिर्फ सेक्रेटरी हूं सोसाइटी का, आप लोगों का गुलाम नहीं। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी काम पे जाती है, मैं उसके लिए खाना बना रहा था। नहीं होता तो छोड़ क्यों नहीं देते, किसी दूसरे को सेक्रेटरी बना दो। छोड़ दूंगा, पहले सांस तो ले लूं। अगर लिफ्ट सही होती तो इस तरह से चढ़ के नहीं आ रहे होते हम। ऐसे कंजूस लोग भाड़े पड़े हैं सोसाइटी में, कोई पैसे देने को तैयार नहीं। छोड़, पानी में बदबू आ रही है, पानी सड़ा हुआ क्यों आ रहा है? चलो देखो पानी में क्यों बदबू आ रही है। सेक्रेटरी कहाँ है सोसाइटी का, उसको बुलाओ इसी वक्त। जी सेक्रेटरी नहीं, मैं कहती हूँ प्रेसिडेंट को बुलाइए, उसकी नाक में पानी डालिए तब पता चलेगा कितना गंदा पानी है ये। लीजिए आवे साहब। अरे विजय बाबू अब आ रहे हैं आप, 24 घंटे से ये बदबूदार पानी आ रहा है। अरे इसमें नई बात क्या है, हर तीसरे दिन ऐसा पानी आता ही रहता है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, अगर हमारे बच्चे बीमार हो गए पानी पीकर तो कौन जिम्मेदार होगा उसके? अरे मैडम मेरे घर में भी तो यही पानी आ रहा है। अरे फिर भी आपको लगा नहीं कि जाके देखूं कि ये बदबूदार पानी कहाँ से आ रहा है? अरे वॉचमैन तूने अभी तक नहीं देखा? मैं देख ही रहा था सर। झूठ बोल रहा है ये, सोया पड़ा था आराम से, मैंने इसको धक्के मार मार के जगाया है। आओ आओ जल्दी चल। जी सर। देख कवर खोल के देख। क्या हुआ? बहुत बदबू है सर। अरे देख तो सही क्या है। लेकिन सर बदबू। अंदर झांक के देख, देखना झांक के। सवाल के रखो उधर, ये उठा। बेचारी समझ में नहीं आता टाकी में पहुंची कैसे हो। संभालो 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 संभाल संभाल के।
देखो, तीन तीन लड़कियों की लाशें एक साथ एक ही पानी की टांकी में और किसी ने भी नहीं देखा। यही तो प्रॉब्लम है सर, यहाँ रहने वाले को पता भी नहीं चला होगा कि टैंकी में ऐसा कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिल्डिंग में से किसी का हाथ हो सकता है इसमें। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? मैं हूँ सर। आप है? क्या कहना है तुम्हें इन तीन लाशों के बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे कुछ मालूम नहीं है, है? पर मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, पुलिस वाला नहीं। और हम लोगों ने वॉचमैन से पूछा है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है सर। सर गलती इन्हीं लोगों की है सर, ये सस्ते सस्ते वॉचमैन रहते हुए सारा दिन सोते रहते हैं वो लोग। सुन लिया सर, जितने पैसे देंगे वैसे ही वॉचमैन मिलेंगे ना। सर ये बात थोड़ी अजीब लगती है, बिल्डिंग के लिए चल नहीं रही है। अगर ये लड़कियां पानी में डालने से पहले मरी हुई थी तो कोई तो इन्हें ऊपर लेके आया होगा। लिफ्ट नहीं है तो क्या कंधे पे लेके आया हो? मुश्किल है, कंधे पर इन तीनों को लेकर आना बिल्कुल मुश्किल है। तो फिर लाश को ऊपर लाते हुए किसी ने देखा किसे? वही तो। क्या आप में से कोई इन तीनों को जानता है या इन तीनों में से किसी को? नहीं सर, हम इन्हें बिल्कुल नहीं जानते। अरे तुम छोड़ो, तुम चुप बैठो। आप में से कोई जानता है इन्हें? देखो जरा। आप आइए, आप आइए, आप भी आइए। देखो कई लड़कियां आपकी बिल्डिंग की है, देखो। अरे इधर आओ, देखोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? इधर आओ, देखो इधर, देखो बिल्डिंग की है आपके? नहीं। कमाल, किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है तो फिर ये लड़कियां यहाँ पर आई कैसे हैं? अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता सर, और सेक्रेटरी बने फिरते हैं। इस बिल्डिंग में कोई लड़की रहती है जो इन लड़कियों को पहचानती हो, इनकी दोस्त हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बस सिर्फ मुंडी हिलाने के लिए तैयार बैठो इधर। वॉचमैन इधर आओ, आओ इधर। लाशों को टैंक में किसने रखा? मुझे नहीं मालूम सर, मैंने इन लोगों के साथ ही में देखा सर। नहीं मालूम, तुम क्या कर रहे थे? आग बंद करके ड्यूटी कर रहे थे तुम? नहीं साहब, मैं एंट्री करता हूँ सबकी, हर आने जाने वाले की। तुम तीनों की एंट्री कौन सी रजिस्टर में करी है? बोल। तो नहीं मालूम, हो सकता सर रात में हुआ हो, रात वाले वॉचमैन को कुछ मालूम हो। ये रात वाला वॉचमैन कब आता है यहाँ पे? छह बजे आ जाता सर। अगर हम संग के बता सके कि इन तीनों की मौत कब हुई है और अगर हम उस दिन के मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट में से पता करें कि कौन कौन लड़कियां गायब है तो हम इन तीनों को बारे में पता चल सकता है कि ये कौन है। देखो बॉस, तीनों लड़कियों की लाशों को देख करके लगता है कि तीनों लड़कियों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या मतलब तीनों लड़कियां अपने आप कूद गई टैंक में? हाँ, कोई हल्ला नहीं मचा, किसी ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं की। या सारुं के खून भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, आप कह रहे हो तो क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? देखियो सारुं के, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ना कभी ऐसे सुना है ना कभी देखा है कि तीन तीन लड़कियां किसी एक बिल्डिंग की वाटर टैंक में जाकर मर जाती है, जिस बिल्डिंग में ना इन्हें कोई पहचानता है ना ये किसी को जानती है। सर कोई ने जबरदस्ती छत पे ले गया होगा और वहां पानी में धक्का दे दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे भाई शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई हाथापाई नहीं हुई, बस मुझे नहीं लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां ले गया। नहीं 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 सारुंग, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। यार कोई इन्हें जबरदस्ती उठाकर के वहां ले जाएगा तो तीनों में से कोई तो चिल्लाएगा। किसी ने ड्रग्स वगैरह खिला दी होगी और ऊपर ले गए। हाँ। और किसी ने इन्हें देखा नहीं, हो सकता है ना। Come on यार अभिजीत, तीन लड़कियों को कोई बेहोश करके ऊपर उठाकर के ले जाएगा और कोई नहीं देखेगा? कमाल कमाल है सारुंग साहब, आप जबरदस्ती बहस कर रहे हैं। तीन लड़कियां एक साथ एक अनजानी जगह पे एक बिल्डिंग की छत पे जाके एक टैंक में कूद के मर जाती हैं और आप आत्महत्या का झंडा उठा के घूम रहे हैं। इस घटना की हर चीज यही इशारा करती है कि ये खून है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लीजिए सर, अब ये गालिब के चरणों में जाके घुस गए। सर मुझे भी लगता है कि इन तीनों का खून हुआ है। देखा देखा, डॉक्टर तारिका ने भी यही कहा। तारिका तुम्हें पता है ना इन तीनों के शरीर में क्या मिला है? जी सर। फिर क्या मिला है और हमें अभी तक बताया क्यों नहीं सालुंगे? सर इन तीनों की बॉडीज में से हमें नींद की दवाई मिली है। तीनों ने मरने से पहले कोई दवाई खाई थी जिससे उन्हें नींद आ गई। नींद की दवाई खाई और फिर आत्महत्या? सर बात कुछ अजीब नहीं लगती?
हाँ अभी ये बिल्कुल अजीब है। सांगे एक बात बताओ, ये तीनों की मौत कब हुई? 48 घंटे, 2 दिन हो गए तीनों की लाश को। 2 दिन पहले मौत हुई और फिर भी। सर हाँ, पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट्स मिल गई हैं। क्या लिखा रिपोर्ट्स? यही कि ये तीनों लड़कियां घर नहीं गई थी सर 2 दिनों से। हाँ सर, इसीलिए इनके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई थी इनके गायब होने की। मनीषा, शीना और गरिमा। सर 20-21 साल से ज्यादा की उम्र नहीं लगती तीनों की, फिर ऐसे क्या मजबूरी होगी कि तीनों ने आत्महत्या कर ली, वो भी एक साथ। परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ प्यार व्यार का मामला होगा? एक साथ प्यार हो गया तीनों को। हाँ प्यार का क्या है, तीनों को एक साथ भी हो सकता है। सर हमें जल्दी से इनके माँ बाप से बात करना चाहिए सर, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। पक्का? शर्त लगा सकता हूँ कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। क्या, कहाँ पे? माय गॉड, ठीक है हम लोग आते हैं। सर एक और लड़की की लाश मिली है। फोन तो मैंने किया साहब, लेकिन लाश को सबसे पहले इन्होंने देखा। तुमने? जी। लाश फेंक के किसी को भागते हुए भी देखा क्या? नहीं सर, मैं तो इधर से जा रहा था, अचानक देखा कि उसमें लाश पड़ी हुई है। फ्रेडरिक। हाँ सर। अच्छी तरह से फोटो लो, लाश की पोजीशन बराबर दिखनी चाहिए। अरे सर, फोटो से कुछ पता लग सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो जिस तरह से इस लाश को फेंका है, शायद हम ये पता लगा सकते हैं कि फेंकने वाले का दिल डॉल कैसा है। वो शायद गाड़ी में आया होगा, उसने लाश को बाहर खींचकर बाहर निकाला होगा, फिर लाश को उठाकर डब्बे में फेंक दिया। लेकिन ये सब करने के लिए काफी दम चाहिए। हाँ देखिए, हाथ पे चोट लगी हुई है। पता है सर, इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की हो, मुंह पे रुमाल भी बंधा है, इसका मतलब बहुत चीख चिल्लाई। चौथी लाश है सर ये। सर अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता चला है कि उन तीन लड़कियों का खून हुआ है या उन्होंने आत्महत्या की है, और ऊपर से ये एक। ये आत्महत्या नहीं है, और सालों के चाहे कुछ भी कहे, उन तीनों लड़कियों का भी खून हुआ है। ये देखिए सर, गला घोट के मारा गया इस लड़की को। निशान इतने गहरे गला घोटने के कि देखते ही लगता है कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारी को। इसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि इसका गला घोटा गया। कैसे? इस लड़की के पेट में से सैंपल निकाला, उससे पता चला कि इस लड़की ने भी नींद की गोलियां खाई। क्या, इस लड़की ने भी नींद की गोलियां खाई है? हाँ जी सर, कोई नींद की गोली जबरदस्ती किसी के मुंह में तो डाल नहीं सकता। शायद इस लड़की ने नींद की गोली अपने आप ही ली हो आत्महत्या के लिए। हाँ, इससे पहले कि नींद की गोलियों से मरती, किसी ने इसका गला दबा दिया। सरासर खून है ये, और खून करने वाले ने सर किसी तरीके से इसे नींद की गोली खिला दी होगी। इन चारों की चारों लड़कियों ने नींद की गोलियां ली थी। सर जैसे इस लड़की का खून हुआ है, वैसे इन तीनों लड़कियों का खून हुआ है। आत्महत्या नहीं की है इन तीनों ने। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि आपकी बेटी मनीषा उस दिन कहाँ गई थी? घर से तो कॉलेज जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो कभी वापस ही नहीं आएगी। पूरे दिन भर में उसने आपसे बात की थी? नहीं। फोन तो करती रहती थी ना आपको बीच बीच में? हाँ। तो आपको शक नहीं हुआ कि उसने फोन क्यों नहीं किया? नहीं, दिन भर काम में बिजी रहा, पता ही नहीं चला कि बेटी ने फोन ही नहीं किया। बड़ी प्यारी बेटी थी मेरी, कौन है वो बेरहम जिसने उसके साथ ऐसा किया? गरिमा की ऐसी कोई सहेली जिस पे आपको शक हो? उसकी कोई सहेली मुझे याद नहीं आ रही, उसकी सबके साथ अच्छी दोस्ती थी। फिर भी कोई ऐसी जिसके साथ वो घूमने जाया करती हो? नहीं, वो कहीं घूमने नहीं जाती थी, बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। कभी तो जाती होगी वो? जाती थी, शीना हर रोज 9 बजे कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज के बाद कहीं और जाती थी वो? कॉलेज के बाद? हाँ, मेरा मतलब है
कॉलेज के बाद सीधे घर आती थी या कहीं और भी जाती थी? हाँ, वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। ट्यूशन पर? हाँ, ट्यूशन के लिए जाती थी प्रिया। ये ट्यूशन क्लास है कहाँ पे? यहाँ मालाड में। क्या नाम है इसका ट्यूशन क्लास का? नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। सर, ये जो लड़की थी गरिमा, वो ट्यूशन क्लासेस के लिए जाया करती थी। अच्छा जी, ये लड़की शीना ये कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन क्लास जाती थी। ये भी ट्यूशन क्लास जाती थी? भी मतलब? सर, मनीषा भी ट्यूशन क्लासेस जाती थी। सर, इनकी बेटी प्रिया भी ट्यूशन क्लास में जाती थी। सर, कमाल है, ये गरिमा, शीना, प्रिया और ये मनीषा, चारों की चारों लड़कियां ट्यूशन क्लासेस जाती थी। विवेक, ये मनीषा कौन से ट्यूशन क्लास में जाती थी? नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। क्या क्या हुआ? ये शीना भी वहीं जाती थी? अरे सर, प्रिया भी वहीं पे जाती थी सर। और सर, गरिमा भी। क्या चक्कर है? ये चारों के चारों लड़कियां अलग अलग जगह रहती थी, एक दूसरे को जानती नहीं थी, मगर चारों की चारों एक ही ट्यूशन क्लास में जाती थी, नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। हो ना हो, इन चारों खूनों का आपस में जो कुछ भी कनेक्शन है, ये यहीं से पता चलेगा, इस नॉलेज ट्यूशन क्लास से। ये चारों लड़कियां मर चुकी। मार दिया है भगवान, ये प्यारी बच्ची तो इनको कौन मार सकता है? चारों लड़कियां आपके ट्यूशन क्लास में पढ़ती थी और हमें शक है कि खूनी का कुछ तो कनेक्शन है आपके इस ट्यूशन क्लास से। ऐसा मत कहिए सर, हमारा खूनी से क्या रिश्ता हो सकता है? ऐसे में तो हमारा ट्यूशन क्लास बदनाम हो जाएगा। और वैसे भी हम अपनी ट्यूशन क्लास में उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जो पढ़ाई में तेज हो, और मुझे नहीं लगता उनमें से कोई ऐसा कर सकता है। तो फिर हो सकता है टीचर्स में से कोई हो। ये आपने क्या कह दिया सर? सर, ये जैसे भारत है, इंचार्ज है यहाँ के, जरा आपके सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को यहाँ बुला लीजिए। आइए सर। चलिए। हेलो, बोल रहा हूँ। अरे मनीष, बाकी सब क्लासेस के बच्चे और टीचर्स को बुला कर ले। यस सर। साइलेंट, प्लीज साइलेंट। देखिए, ये बहुत सीरियस बात है। यस सर। बैठिए सब। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ, बड़ी दुख की बात है लेकिन कहना पड़ता है, गरिमा, प्रिया, मनीषा और शीना, इन चारों लड़कियों का खून हो गया है। ये नहीं हो सकता, प्रिया नहीं मर सकती। प्रिया और गीता एक ही क्लास में थे। लवण्य, तुम लोगों में से किसी ने भी इन लड़कियों को देखा था दो दिन पहले किसी के साथ जाते हुए? क्या तुमने देखा था? नहीं, प्रिया तो सीधा घर के लिए निकली थी यहाँ से। क्या ये चारों लड़कियाँ एक ही क्लास में पढ़ती थी? नहीं, ये चारों लड़कियाँ तो अलग अलग क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, और क्या ये एक दूसरे की दोस्त थी? नहीं सर, इनके तो आने के टाइमिंग्स भी अलग अलग थे। बड़ी अजीब बात है, क्लास में आने का टाइम अलग अलग है, चारों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। गरिमा, मनीषा और शीना को यहाँ कौन कौन जानता है? जी, मैं। नाम क्या है? जी, वैभव। सर, गरिमा तो मेरी बहन जैसी थी सर। सर, मैंने उसे कितनी बार कहा है कि घर से अकेले मत जाया करे, पर उसने कभी मेरी सुनी नहीं सर। मनीषा तो सीधे घर ही गई थी, उस दिन तो उसने मेरे से नोट्स भी लिए थे, और कहीं जाने का प्लान भी नहीं था उसका। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है कि किसका काम हो सकता है, तो अंदाजा? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो खून कर सके लड़कियों का। जी हाँ सर, ये जरूर किसी बाहर के आदमी का काम होगा सर। नहीं 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 भरत जी, कोई बाहर वाला नहीं है। अगर ये कोई बाहर वाला होता तो फिर वो आप ही की क्लासेस की लड़कियों को क्यों निशाना बनाता? इस बाहर वाले का जरूर आपके नॉलेज ट्यूशन क्लासेस से कोई ना कोई संबंध है। सर, ये बात बहुत अजीब लगती है कि ये सारी लड़कियां एक ही ट्यूशन क्लासेस में जाती तो जरूर थी,
पर इन सबके सब्जेक्ट अलग थे, इनके क्लास के टाइमिंग अलग अलग थे, यहाँ तक कि दूसरे को जानते तक नहीं थे। तो फिर सर ये सब खून एक साथ कैसे हो गए? दया, मुझे तो लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो इस ट्यूशन क्लासेस की लड़कियों को शिकार बना रहा है। सर, ज्यादातर सीरियल किलर्स का खून करने का तरीका एक जैसा ही होता है, मगर यहाँ तो तीन लाश टैंक में मिली है और चौथी कचरे के डिब्बे में। हाँ सर, उसने तीनों लड़कियों को मार के ये दिखाने की कोशिश की है कि लड़कियों ने आत्महत्या की है, तो फिर उसने प्रिया के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, प्रिया के साथ उसने ऐसा नहीं किया। कुछ तो है, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभिजीत, वो तीनों लड़कियां बेचारी जिस बिल्डिंग में रहती नहीं थी उसी बिल्डिंग के टाके में उनकी लाशें मिलती है, और फिर वो उन लाशों को ऊपर लेकर कैसे गया होगा? और किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने तो जरूर देखा होगा। इसका मतलब सर, अगर उन लड़कियों का नहीं तो उस बिल्डिंग से खूनी का जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। वही तो, नहीं तो उसी बिल्डिंग में उन लड़कियों की लाशें कैसे मिलती है? तो शायद खूनी उस बिल्डिंग में रहता होगा या फिर उसका वहां आना जाना होगा। सर, उस बिल्डिंग में जाके दोबारा इंक्वायरी करते हैं। हाँ अभिजीत, उस बिल्डिंग के वॉचमैन से जाकर पूछताछ करो, अगर वो दिन रात सोता नहीं होगा तो जरूर उसने किसी न किसी को उस बिल्डिंग की छत पर जाते हुए देखा होगा। अरे अरे भाई साहब, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे पहले एंट्री तो कीजिए रजिस्टर में, आपको जाना कहाँ है? बड़ा दिल लगा के काम कर रहा है। थैंक यू साहब। रात को खर्राटे मारता है और थैंक यू बोल रहा है? खर्राटे? मैं ड्यूटी पर नहीं सोता साहब। नहीं सोता? उन तीन लड़कियों का नाम रजिस्टर में क्यों नहीं है जिनकी लाशें मिली टैंक में? क्यों, निकल गई हवा? अरे ऐसे कैसे निकल गई हवा साहब? मैंने बोला ना कि मैं ड्यूटी पर नहीं सोता, मुझे कुछ नहीं पता साहब। कुछ नहीं पता? नहीं, नहीं साहब। पता? हट। साहब, साहब, कुछ रात में सो गया था साहब। ड्यूटी पर सो रहे थे और वहाँ तीन तीन लड़कियों का खून करके चला गया। साहब, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। 15 साल में सब पहली बार हुआ है साहब कि मैं ड्यूटी पर सोया था। एजुकेशन से साहब। दारू पी थी? दारू नहीं साहब, मैंने तो उस दिन सिर्फ चाय पी थी। चाय पीने के बाद मेरा सर भारी हो गया, पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। चाय पी के सो गया? जी साहब। चाय कहाँ से लाया इतनी रात को? वो गेट के बाहर रोड पे चाय वाला है ना, वहीं से रोज मैं चाय पीता हूँ साहब। चलो हम भी चाय वाले की चाय चक्कर देखते हैं। अरे साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं क्यों उसकी चाय में कोई दवा मिलाऊंगा साहब? चाय यहीं पर बनी थी ना? जी हाँ, यहीं पे बनी थी। तो फिर हो सकता है किसी और ने कुछ मिला दिया उसकी चाय में। चाय लेके कौन गया था वहाँ? चाय तो मैं लेकर के आया था। तो फिर कोई कैसे कुछ मिला सकता उसको? साहब, रात के वक्त बहुत गर्दी होती है दुकान पर, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ने कुछ उसे गिलास में मिला दिया हो तो मुझे कैसे पता चलेगा साहब? अच्छा, कौन कौन आते हैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने रात? साहब, ज्यादातर यही ऑटो चलाने वाले लोग और टैक्सी चलाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। हाँ साहब, एक ऑटो चलाने वाला उस रात बहुत देर तक रुका हुआ था और बहुत बातें कर रहा था साहब। अच्छा साहब, तो जहाँ पे हमें प्रिया की लाश मिली थी वहाँ पे भी एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे भी एक चाय वाला था। चाय वाला? चलो वहाँ की चाय भी पीकर देखते हैं। ये चाय की दुकान रात को भी खोलते हो तुम? हाँ साहब। कौन कौन आता है तुम्हारे यहाँ चाय पीने? अरे साहब, ज्यादा करके या तो टैक्सी वाले आते हैं या फिर ऑटो ड्राइवर आते हैं। उस बिल्डिंग के वॉचमैन को चाय तुमने ही पिलाई थी? हाँ साहब, रोज रात को देता हूँ। विवेक, जरा उस वॉचमैन को बुला। यस सर। परसों भी चाय तुमने पिलाई थी उस वॉचमैन को? हाँ साहब। सर, सर ये रहा इस बिल्डिंग का वॉचमैन सर। ये चाय तुम यहीं पे पीते हो रोज? जी साहब, नींद भगाने के लिए। परसों रात को भी तुमने चाय पी थी? परसों रात को? हाँ साहब, चाय ली तो थी मगर पी नहीं थी। ली थी तो पी क्यों नहीं? चाय को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझे? अरे साहब, अब चाय में मक्खी गिरी होगी तो कौन पिएगा उस चाय को? तो तुम्हारी चाय में मक्खी गिर गई? जी साहब। और तुमने चाय नहीं पी? जी नहीं साहब। भैया,
अभिजीत, कुछ समझ में आया? हाँ सर, वो खून इंतजार करता रहा पर ये वॉचमैन सुहैन, इसलिए वो लाश को छत पे ले नहीं जा सका क्योंकि ये रास्ते में बैठा था, इसलिए मजबूरन उसे लड़की की लाश यहीं फेंकनी पड़ी कचरे के डिब्बे में। सर, पांच पांच खून कर चुका ये। अबे पांचवा खून कब हुआ? उसी दिन सर, जिस दिन चौथी लड़की मरी। फ्रेडरिक्स, तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, चार लड़कियां और एक मक्खी, सब इसी ने ही मारे हैं। मक्खी? हाँ, अगर ये मक्खी ना मरती तो दूसरा वॉचमैन चाय पी लेता, और अगर वो चाय पी लेता तो बेहोश हो जाता, और शायद वो चौथी लाश किसी टैंक में मिलती। सर, सारा मामला पलट गया। क्यों, उन लड़कियों के बारे में और कुछ पता चला? जी हाँ, ये जो चारों लड़कियां मरी हैं, ये चारों के चारों टॉपर्स थे। टॉपर्स थे? हाँ, हर एग्जाम में फर्स्ट आती थी। फर्स्ट फर्स्ट आती थी फिर भी ट्यूशन क्लास में जाती थी? हाँ, इसका मतलब है सर, खूनी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे फर्स्ट आने वाली लड़कियों से नफरत है। हम अगर दया, लड़के भी तो फर्स्ट आते होंगे, वो लड़कों को क्यों नहीं मार रहा है? वो लड़कियों के पीछे ही क्यों पड़ा है? हो सकता है सर कि खूनी को ये पसंद ना हो कि कोई लड़की टॉप करे। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़का बार बार फेल हो रहा होगा। भले ही फेल हो जाए सर, 50 बार फेल हो जाए, लेकिन फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को मारकर थोड़ी ना पास होगा वो। और एक बात है सर, ये चारों लड़कियां अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, तो खूनी अगर किसी एक के कॉलेज का होता तो अपने कॉलेज वाली लड़की का खून करता, बाकियों का नहीं। अभिजीत, मुझे लगता है ये लड़का वहीं पर मिलेगा, उस नॉलेज ट्यूशन क्लासेस में, वहीं पर वो भी ट्यूशन लेने जाता होगा, और वहीं पर उसे पता चला होगा कि ये चारों लड़कियां टॉपर्स थी। इसका मतलब है सर, खूनी का अगला शिकार कोई ऐसी लड़की है जो उसी ट्यूशन क्लास में टॉपर है। एग्जैक्टली। विवेक, एक काम करो, उन सारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ जो टॉपर्स हैं और जो नॉलेज ट्यूशन क्लासेस में ट्यूशन लेने जाती है, उन सभी लड़कियों पर नजर रखो, देखो कौन कौन है जो उन पर निशाना लगाए हुए हैं। की एक लड़की एक रिक्शा में बहुत देर से बैठी है सर, लगता है किसी का इंतजार कर रही है। सर, वो रिक्शा वाला बाहर उतर के उससे कुछ बात कर रहा है। सर, रिक्शा वाला रिक्शा उतर के पीछे की तरफ गया सर, पता नहीं। ओके सर, ओके। रिक्शा से उतर के उस रिक्शा वाले के पीछे चली गई है। हाँ, उसी तरफ गई है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। तुम क्या करो? देखो, मैं तुमको यहाँ पे बचाने आया। मुझे बचाने? हाँ। मुझे क्या हुआ? तुम्हारी जान को खतरा है।
देखो गीता बेटा घबराओ मत, देखो अब तक चार लड़कियों का खून हो चुका है क्योंकि वो एग्जाम में फर्स्ट आती थी, और क्योंकि तुम भी फर्स्ट आती हो तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम्हारा भी खून हो सकता है। क्या? मेरा भी खून? Oh my God! से लगता है खूनी ने कहीं से हमें यहाँ आते हुए देख लिया, छुपके से खिसक गया सर वो। देखा, आज तो हम लोग तुम्हारे पास थे इसलिए तुम बच गई, भाग गया वो खूनी। लेकिन आइंदा अपना ख्याल रखना, जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों? वो मानसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। मानसी? मानसी तो लड़की है, कौन है ये मानसी? हाँ, है कौन है? सर, मैं और मानसी एक साथ ट्यूशन क्लासेस के लिए जाते हैं। वो उसने मुझसे कहा था कि उसके पास एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही देने के लिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था। क्या इस सुनसान टेरेस में? जी सर। क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हो तुम लोग एग्जाम्स के पेपर्स पाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी जान खोने के लिए तैयार हो? हैं? विवेक, लावण्य, गीता को घर छोड़ा और अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। चलो। सर ये कहीं मानसी ही तो नहीं है ये सब खून कर रही है? हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि कोई लड़का है, पर ये तो कोई मानसी है। इस मानसी को मिलना पड़ेगा। सर पहले नीचे जाके इस वॉचमैन से मिल लेते हैं, इतने जोर से खर्राटे मार रहा है यहां तक सुनाई पड़ रहा है। मारने की कंपटीशन हो तो ये जीत जाएगा। अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, जरा अपने आंखें खोल। ये पानी डाल दो क्या? डाल दो। बारिश ने सुनामी, सीआईडी वाली सुनामी, समझे? सीआईडी ड्यूटी पे सोता है। माफ करना साहब, पता नहीं कैसे आंख लग गई। तुमने चाय पी थी? हाँ हाँ साहब, चाय पीते पीते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तो चाय का गिलास कहाँ है? दिखा जरा। कहाँ? ये सब। ये चलो। सर ये है मानसी। आइए आइए मानसी जी आइए। कुछ तकलीफ तो नहीं दी ना इन्होंने? नहीं सर बिल्कुल नहीं, रास्ते में चाय भी पिलाई। चाय में कुछ मिलाया विलाया तो नहीं ना? आप देख सकते हैं सर, पूरे होशो हवास में है। उस वॉचमैन के चाय में क्या मिलाया था मानसी जी? वॉचमैन? हाँ वॉचमैन। कौन सा वॉचमैन सर? चाय में नींद की गोलियां मिली हुई थी और वही वाली चाय पीते ही लुढ़क गया वो। मैं कुछ समझी नहीं। राजकमल बिल्डिंग वाला वॉचमैन, उसके खर्राटे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे हम लोगों को। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, तुमने गीता को बुलाया था राजकमल बिल्डिंग में उसका खून करने के लिए। सर गीता का नाम सुना है? एक गीता तो मेरे साथ वहाँ पे पढ़ती है ट्यूशन क्लासेस में। वही गीता, उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। उसी को फोन करके बुलाया था ना तुमने क्लास में से? सर मैं तो कल ट्यूशन क्लास के लिए गई भी नहीं थी, बहुत लेट हो गई थी। मगर गीता ने हमें बताया कि तुमने उसे बुलाया था फोन करके छत पे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं तो कल घर में ही थी, मैं क्यों फोन करने लगी गीता को? और ये राजकमल बिल्डिंग कहाँ है ये तो मैं जानती तक नहीं। तो तुमने गीता को फोन किया ही नहीं? नहीं सर, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही उसे बुलाया था फोन करके? पता नहीं सर, मैं तो उस दिन ट्यूशन के लिए गई भी नहीं थी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर गीता को फोन किया किसने? सर सर ऐसा तो नहीं कि किसी और ने गीता को बुलाया वहां पे इस मानसी का नाम लेके? हाँ, और शायद हमें देखकर वहां से भाग गया या भाग गई। उस बिल्डिंग के वॉचमैन के सिवा वहां और कौन कौन था? बिल्डिंग के कुछ लोग थे, बाहर सड़क पे शायद एक दो आदमी थे। सर वो ऑटो वाला भी तो था जो गीता को छोड़ने आया था। सर
क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? फ्रेडी, अरे जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की है, और वही ऑटो वाला बिना पैसे लिए चला गया। सर, वो पिछले दो चाय वाले थे ना, हाँ? उन्होंने भी यही बताया था कि ऑटो वाला आया था उनसे बात करने के लिए, उनको बातों में लगा के चौकीदार की चाय में नींद की गोली मिला के चला गया। अरे कमाल है फ्रेडी, वेरी ग्रैंड है यार, कमाल है भाई। आज तो फ्रेडी की तरफ से पार्टी होगी बस। पार्टी तो वाइफ से पूछना पड़ेगा सर। फ्रेडिक्स, जाकर ऑटो वाले को ढूंढो, आरटीओ में फोन करो। यस सर। और वाइफ को फोन करो। यस सर। चलो जल्दी चलो भाई। अरे ये गेट क्यों बंद करके रखा है? गेट खोलो प्लीज। नहीं बेटा, ये गेट अब नहीं खुलेगा। हेलो सर, हमें लोगों से बताइए सर। अब और मत डराओ बच्चों, चलो उतरो अपने अपने मास्क। ये क्या सीआईडी? माफ कीजिएगा, ये ड्रामा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें खूनी को पकड़ना था। खूनी? स्टूडेंट्स के बीच में खूनी? हाँ, खूनी स्टूडेंट्स के बीच में ही। कौन है वो? ये है वैभव, यही है वो जो यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि हमें बचाओ। इसने उन चार लड़कियों का खून किया है एक ऑटो रिक्शा वाला बनकर। इसे बाहर निकालने के लिए हमें सब ड्रामा करना पड़ा। हमें ये पता लगाना था कि वो कौन सा स्टूडेंट है जो रिक्शा चलाना जानता है। इतनी छोटी उम्र में कहां से हिम्मत आ गई चार चार खून करने की? छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए मुझे। ले छोड़ दिया, छोड़ दे प्लीज सर, छोड़ दीजिए प्लीज सर। ले छोड़ दिया। सर मैंने सारे खून मानसी के लिए किए सर। मेरे लिए? पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ। अरे वो जो बाकी लड़कियां मरी है वो तो मानसी के क्लास में पढ़ती भी नहीं थी, फिर उनका खून क्यों किया? मैं चाहता था सर कि मानसी पूरे शहर में फर्स्ट आए। लेकिन मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? मैंने नहीं कहा तो क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मानसी, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। प्यार के लिए खून करता फिरेगा लड़कियों का? हैं? मैंने तो मानसी के लिए ही किया था सर। ये है तुम्हारा प्यार, पागल? प्यार का नाम जिंदगी है वैभव। तुमने तो प्यार के नाम पर चार चार लोगों की जिंदगी छीन ली, खुद की जिंदगी तो खराब कर ली और दूसरों की भी। अब जेल की दीवारों से प्यार करते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.